नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अजमेर में आधा दर्जन व्यापारियों के ठिकाने पर आयकर की कार्रवाई। दो नमकीन, एक प्लाईवुड, एक कांच व्यवसाय और एक अंडा व्यवसाय के घर, फैक्ट्री और दुकान पर जारी है आयकर की कार्रवाई। अजमेर में आज सुबह से ही आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। प्लाजा रोड स्थित चैन मिष्ठान भंडार पर आय से अधिक संपत्ति होने की वजह से आयकर विभाग ने यहां कार्रवाई की। इसके अलावा दो नमकीन, एक प्लाईवुड, एक कांच व्यवसाय और एक अंडा व्यवसाय के घर, फैक्ट्री और दुकान पर कार्रवाई अभी भी जारी है। करीब आधा दर्जन व्यापारियों के ठिकानों पर विभाग ने कार्रवाई कर दी है। ब्यावर में स्वामी विवेकानंद का रूप धर कर निकली झांकियां। शिकागो विश्व धर्म महासभा 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। अमेरिका के शिकागो शहर में आज 125 वर्ष पहले आयोजित हुए विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद की ओर से दिए गए व्याख्यानों के उपलक्ष्य में विवेकानंद केंद्रीय कन्या कुमारी शाखा ब्यावर की ओर से वर्षगांठ मनाई जा रही है। 125वीं वर्षगांठ के मौके पर मंगलवार को केंद्र की ओर से विशाल जुलूस निकाला गया। कॉलेज रोड स्थित जय मंदिर से सिनेमा से शुरू हुए जुलूस में शहर के 21 विद्यालयों के विद्यार्थियों के दलों ने भाग लिया। जुलूस में स्कूली बच्चों के साथ साथ शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। जुलूस में स्वामी विवेकानंद सहित अन्य प्रकार की झांकियां भी सजाई गई। जय मंदिर सिनेमा से प्रारंभ हुआ जुलूस चांक गेट, पाली बाजार, लोहारन, चौपड़, एकता सर्किल से तेजा चौक होते हुए सुभाष उद्यान पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस का शहरवासियों ने रास्ते में जगह जगह तोरण द्वारा सजाकर स्वागत किया। विजय दिन था भारत का, विश्व पर विजय जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, अप इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड विथ योर स्पिरिचुअलिटी, वही एक संदेश स्वामी विवेकानंद ने भारत को दिया। भारत को जगाना था और पूरे विश्व को भी जगाना, यही कार्य स्वामी जी ने किया। और कल उसी को, उस वर्षगांठ को मनाने के लिए, उसका संस्मरण करने के लिए हम पूरे भारत में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें ब्यावर में भी एक शोभा यात्रा और फिर विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। प्रशासन ने मोहर्रम की तैयारी की पूरी। हाईडोज के लिए तलवारें भी करी अलर्ट। 31 सितंबर को मनाया जाएगा मोहर्रम। मोहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी को लेकर प्रशासन ने दरगाह कमेटी से भी बैठक बुलाकर बात कर ली। साथ ही हाईडोज के लिए तलवारी भी अलॉट कर दी गई है। इस दिन पुलिस का जाब्ता भी बड़ी संख्या में तैनात रहेगा। 21 सितंबर को मोहर्रम मनाया जाएगा। तैयारियों का जायजा ले लिया गया है और चांद की तारीख से मोहर्रम का ये जो कार्यक्रम शुरू हो गया है और इसी उसमें दरगाह थाने के अंदर भी एक बार मीटिंग सभी अधिकारियों की लेके सबको दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हाईडोज के लिए जो निर्धारित संख्या में हथियार, तलवार वगैरह जो दी जाकर वो अलॉट की जा चुकी हैं और उसी के आधार पे उतनी संख्या के अंदर तलवार से हाईडोज खेला जाएगा। कर्मचारी ने अर्धनग होकर फूका मुख्यमंत्री का पुतला। अपनी मांगों को लेकर कई समय से कर रहे हैं प्रदर्शन। महासंघ कर्मचारी ने भी प्रदर्शन में दिया साथ। आज बस स्टैंड पर महासंघ कर्मचारी के सहयोग के साथ रोडवेज कर्मचारी ने अर्धनग होकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूका और परिवहन मंत्री यूनुस खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि सातवां वेतन लागू किया जाए, नई बसें खरीदी जाए, रिक्त पड़ी भर्ती को नियुक्ति दी जाए। 15-16 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 16 तारीख की रात को सारी सरकारी बसों का चक्का जाम कर दिया जाएगा। जुलाई माह के अंदर जब 3 दिन का रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर के जो हड़ताल की थी, उस हड़ताल के तहत 3रे दिन राज्य सरकार के परिवहन मंत्री यूनुस खान जी के साथ संयुक्त मोर्चा का जो समझौता होता है उसके तहत एक कमेटी का गठन किया जाना था, लेकिन 17 दिन बीतने के बाद भी कोई कमेटी का गठन नहीं किया। हमारे शीर्ष नेतृत्व मांझी लाल जी ने इस संदर्भ में उनको अल्टीमेटम दिया, तब जाकर उन्होंने 27 दिन बाद उस कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का भी गठन करना सिर्फ एक रूप से उसको टालने की कोशिश की गई, जिसकी मात्र 2 बैठकें हुई है, जिसके अंदर कोई डिसीजन नहीं हो सका। उसको 31 अगस्त तक अपना डिसीजन देना था। ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारी 4 प्रमुख मांगे थी, 7th पे कमीशन को लागू करना, नई बसों की खरीद करना और हमारा जो बकाया भुगतान है उसको करना और नई भर्तियों को करना, उन चारों के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। ऐसी स्थिति के अंदर आज हमको मजबूर होकर के 1 तारीख से वापस इस आंदोलन के अंदर उतरना पड़ा और आज हम सभी ने अर्धनग्न होकर के आज पूरा राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी की शव यात्रा निकाली है। और अगर फिर भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हमने 17 तारीख को वापस से हड़ताल में जाने का उनको अल्टीमेटम दिया गया है। वसुंधरा सरकार ये कान खोल कर सुन ले, जब तक हमारी इन मांगे जो जायज मांगे उनको पूरा नहीं करेगी तब तक हमारा कर्मचारी चैन से नहीं बैठेगा। नाम, मैं अनिल कटारिया, एटक यूनियन सचिव अजमेर आगर। आज हमारा जो ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये 1 तारीख को जो हमारा था सभी राजस्थान में धरना प्रदर्शन था 1 तारीख का, और ये दूसरा 8 तारीख को जो था संयुक्त मोर्चा की तरफ से जयपुर के अंदर महासम्मेलन था। आज ये 3रा चरण है। पूरे राजस्थान के अंदर हर डिपो इकाई पर 12 से और 1.5 के बीच में वसुंधरा राजे का पुतला फूंका जा रहा है
उसकी जो हमारी 27 जुलाई को जो मांगे पूरी लिखित में समझौता हो चुका है उनको राज्य सरकार द्वारा न तो लागू किया जा रहा है, जो कि उसके अंदर मुख्य मांगी थी 7वां वेतन लागू करो, नई बसों की खरीद करिए और नई कर्मचारियों की भर्ती करो, और बकाया कर्मचारियों के जो सरकार ने अपन को 150 करोड़ रुपए दिए थे उसमें सिर्फ 48 करोड़ रुपए दिए हैं। यह लिखित समझौता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा के लीडरशिप में और इसके बाद में जितने भी अपने IAS यातायात प्रधानमंत्री MD उनका लिखित समझौता है उसको सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। इस विरोध में हमारी कड़ी के अंदर आज यह वसुंधरा सरकार का पुतला फूंका जा रहा है और 15 और 16 तारीख को जो अपने धरना है और रात्रि 16 तारीख से पूरे राजस्थान के अंदर चक्का जाम है। हजारी सिंह चौधरी, प्रदेश सचिव एटक यूनियन। जैन समाज की महिलाओं ने मनाई रोड तीज, किया आधा दिन का उपवास, मांगी परिवार के लिए मनोकामना। आज दिगंबर जैन का रोड तीज पर्व है। इस अवसर पर दिगंबर जैन मंदिरों में 24 तीर्थकारों की पूजा अर्चना की जाती है, 2400 की पूजा विधान किया जाएगा। इस दिन जैन धर्म की महिलाएं रोड तीज का उपवास रखकर दिन भर पूजा अर्चना करेगी। इस पर्व पर जैन मंदिरों में रोट, घी, खीर, तुरई की सब्जी, रायता समेत कई पकवान बनाकर चढ़ाए जाते हैं। आज छोटा जड़ा नसिया में भी महिलाओं ने आके पूजा अर्चना की और आज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। जी का एक परिवार था, उस परिवार के अंदर इतनी थी कि उसने एक नियम लिया था रोड तीज का, परंतु वो रोड तीज का एक साधु से नियम लिया था। साधु ने बताया, एक हमारे महाराज उन्हें बताया कि आप अगर रोड तीज का व्रत करोगे तो आपके हो गए, परंतु उसने वो व्रत लेने के बाद उस परिवार वाले में जब वो शादी होकर गई तो वह जब वो शादी होकर गई तो उसने उस व्रत को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उस घर में इतनी दरिद्रता आई कि वह घर के अंदर सब होने लगी। फिर वह एक साधु के पास गई, साधु से पूछा, हमारे महाराज से पूछा कि महाराज जी मेरे घर में इतना पहले संपत्ति थी, इतनी संपत्ति, उसके बाद मेरे घर में इतनी दरिद्रता क्यों आ गई? तो उस महाराज ने बताया कि तेरे घर में एक बहुत बड़ा काम किया तूने, एक महाराज जी से किसी एक रोड तीज का जो व्रत लिया था, हमारे इसमें लॉजिक है, तो रोड तीज का व्रत लेने से उसे तोड़ दिया। जब उसने रोड तीज का व्रत तोड़ दिया तो बोले इस रोड तीज के व्रत को वापस करो। जब वो रोड तीज को व्रत को वापस करने लगी, धीरे धीरे उसके घर में वापस संपत्ति आने लगी और वह घर में फिर खुशहाली आ गई। इसके महिला इसलिए करती है कि इस रोड तीज को व्रत करने से हमारे परिवार में अगर कोई भी संकट है, कोई भी हमने वो जो कराया, तो इससे करने से हमारी सब परिवार की जो समस्या है और हमारे जो वो अपने आप दूर हो जाती है। ये इसका करने का लॉजिक है। इसकी विधि क्या है? इसकी विधि ऐसी है कि जो रोड तीज के व्रत बड़ा शुद्धता से किया जाता है। औरतें इसको कई औरतें तो जो महिलाएँ हमारी समाज की है जिसके धर्म को वो 3 साल तक करती है, कई महिला इसको 24 साल तक भी करती है। 3 साल तक नई शादी होने के बाद भी महिला आती है वो इसको व्रत लेती है और 3 साल करने के बाद भी छोड़ सकती है, उसके बाद 24 साल भी करती है। इसका लॉजिक शुद्धता से किया जाता है। इसके अंदर जो भी जितनी भी चीज़ें हमारे काम में ली जाती है, शुद्ध आटा होता है, शुद्ध घी होता है, शुद्ध धूरा होता है, शुद्ध दही होता है, घर में जमा हुआ दही होता है, कोई तो दही भी लेते हैं, कोई लेते भी नहीं है, कोई खीर, अलग अलग लोगों की अलग अलग एरिए की अलग अलग प्रवाटी। इसको मैं इसको नहीं कहना चाहता हूँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा इसको करने से इसमें आज के दिन केवल रोटा ही बनता है, केवल सुबह बनता है। महिला ऐसे पूजा करके रोड तीज अपने करके उसके बाद अपने घर जाती है और अपने स्वागत मांगन अपने नोजिक से अपने पति के सामने दोनों मिलके उसको करते हैं और अपने परिवार की सुख संपत्ति की सामना की कामना करते हैं। हर मंदिरों में जाके अपने अपने जिस जैसा स्थल होता है वैसे उसकी भावना होती है, जैसा होता है रोड तीज करते हैं। कई एरियो में तो अलग तरफ से बनाया जाता है, कई एरियो में ऐसी बनाया, परंतु लॉजिक व्रत करने का महत्व यही है कि 24 भगवान के व्रत करने से हमारे एक परिवार में सुख संपत्ति दरिद्रता खत्म होती है। आपका नाम? मेरा नाम अभय कुमार पाटनी, अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा परिषद जिला शाखा का महामंत्री। आज रोड तीज क्यों मनाते हैं? हाँ, रोड तीज मनाते हैं इसलिए कि इससे शरीर का और शुद्धि होती है और सब काया शुद्ध हो जाती है और इस व्रत करने से संकट दूर होता है। और ये व्रत 3/24 ही है और इसे तीज के दिन भादो शुद्धि तीज को करा जाता है। 3 साल तक किया भी जाता है और 24 साल तक भी व्रत करते हैं, मतलब इस व्रत का, और शोध अंतराय से करते हैं और फिर इसका उद्यापन करते हैं, मतलब हाँ नहीं आज व्रत है, मतलब आज 3/24 का व्रत है और 3 साल करके इसका उद्यापन कर देते हैं, 24 साल भी करते हैं और 3 साल भी करते हैं, मतलब इसलिए ये व्रत इस व्रत की बहुत महिमा है। ये बहुत बड़ा महाव्रत है, इससे करने से संकट की दूर हो जाता, संकट दूर हो जाता है और घर में सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और रोग शोक सब दूर हो जाते हैं, मतलब सब संकट दूर हो जाते हैं इस व्रत करने से। मेरा नाम सुशीला काला। अपने परिवार के मंगल कामना करने के लिए रोड तीज का उपवास किया जाता है और ये 2400 भगवान को लेके बनाया जाता है। इसकी क्या हाँ, इसके दिन एक ही धान खाते हैं सब लोग,
इसके अलावा कुछ भी नहीं खाते और सब चीज़ शुद्धता से खाते हैं। व्रत करते हैं? व्रत करते हैं, कई लोग एक टाइम खा के करते हैं, कई लोग उपवास करके खाते हैं। आपने किस तरह से मनाया? हाँ, आपने किस तरह से मनाया? हमने भी बस शुद्धता से हर चीज़ का बनाया और खाएंगे। आज के दिन तुरई की सब्जी, दही, मिर्ची से इनसे खाते हैं इसको। बहुत खीर भी बनाते हैं। हाँ, बहुत से लोग खीर भी बनाते हैं आज के दिन। मंत्रालय कर्मचारी संगठन के महापड़ाव में सम्मिलित होने के लिए दिए फूल और चावल जयपुर में 20 सितंबर से होगा शुरू। 80,000 से ज्यादा मंत्रालय कर्मचारी होंगे सम्मिलित। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संगठन द्वारा 20 सितंबर की जयपुर में कर्मचारियों का महापड़ाव आयोजित होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संगठन पदाधिकारी अजमेर के सभी विभागों में जाके मंत्रालय कर्मचारी से मिल रहे हैं और उन्हें जयपुर आने के लिए फूल और चावल देकर आमंत्रित कर रहे हैं। महापड़ाव से पहले पदाधिकारी ब्लॉक क्षेत्र में भी भ्रमण करेंगे और मंत्रालय कर्मचारियों को आमंत्रित करेंगे। हमारे राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का 20 सितंबर से महापड़ाव है जयपुर में अनिश्चितकालीन के लिए। उसी के संदर्भ में विगत 3 दिन से दिनांक 10/9/18 से सारे विभागों में जनसंपर्क का कार्यक्रम कर रहे हैं हम, जिसके संदर्भ में आज हम कलेक्ट्रेट में आए हैं। इसके पहले हमने रेवेन्यू बोर्ड, संभागीय आयुक्त, आयुर्वेद, मेडिकल, GPF डिपार्टमेंट, अन्य अजमेर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसका भ्रमण किया है और आने वाले दिनों में हम ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक के जितने भी हैं, पिसांगन, अराई, केकड़ी, सरवाड़, इस तरफ जाएंगे। तो भारी संख्या में कर्मचारियों का रुझान है जयपुर जाने के लिए और महापड़ाव है। कम से कम 70,000 से 80,000 मंत्रालय कर्मचारी जयपुर में इकट्ठा हो रहा है हमारा। आज हमने सभी को विगत 3 दिनों से ही संपर्क कर रहे हैं, जिसमें गुलाब का फूल और चावल देकर हम सारे कर्मचारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष मुकेश दारू, राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ, अजमेर। तीज के त्यौहार पर भगवान गणेश का किया श्रृंगार, आज रात्रि को होंगे भजन, कल सुबह होगी महा आरती। आज तीज के त्यौहार पर आगरा गेट वाले गणेश मंदिर में भगवान गणेश का श्रृंगार किया गया। मंदिर में महाराज ने बताया कि आज झंडा रोहण किया गया व आज दिन भर प्रसाद माला का कार्यक्रम चलेगा। आज 8 बजे से भजन संध्या शुरू होगी, जिसमें कई जाने माने भजन कलाकार आएंगे व कल सुबह 4 बजे महा आरती की जाएगी। इसके बाद भगवान गणेश को पंचामृत गंगा जल से स्नान कराया जाएगा और नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। हाँ साहब, ये आज साहब सिंगारा है, भगवान गणेश जी के तीज का त्यौहार है, तो आज भगवान का श्रृंगार करके पोशाक चढ़ाई है, अभी झंडारोहण करके पूजन करके झंडा चढ़ा दिया है और दिन भर भगवान के माला प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा और शाम को रात्रि 8 बजे से भगवान के भजन होंगे, जिनमें अनवर राजस्थानी, चंद्रकला शक्तावा, छिब्बू भाई, शानू देवी एवं दिल्ली से आए निरालैंड पार्टी वाले भजनों की प्रस्तुति देंगे। हम झांकियाँ प्रस्तुत करेंगे, श्री ऋषिराज शर्मा हमारे जिनका मंच का संचालन करके उनको सब कार्य विधि पूर्ण किया जाएगा। रात्रि को सुबह 4 बजे भगवान भजनों की आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा, सुबह 6 बजे नित्य आरती होगी, उसके बाद में 8 बजे भगवान गणपति के दूध दही का अभिषेक होगा और फिर अभिषेक होने के गणपति अतर शीर्ष के 5 पंडितों द्वारा आचार्य तत्व में पाठ होंगे, पंडित सुरेंद्र नाथ आचार्य पाठ करेंगे। उसके बाद में 11 बजे से गणपति के पुण्य अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें भगवान गणपति को सर्वप्रथम शेष से स्नान कराया जाएगा, दूध दही घी पंचामृत से स्नान करवाया जाएगा, गंगा जी द्वारा जल लाया हुआ है भगवान के हरिद्वार का, उससे भगवान के स्नान करा के नए वस्त्र धारण करा के भगवान के पूजन करके और इनकी आरती की जाएगी। फिर उसी पंचामृत का जो भगवान को स्नान कराया उसका प्रसाद सभी को वितरण किया जाएगा। दिन में 1 बजे प्रसाद वितरण होगा, सायंकाल वापस भगवान के पुष्पमाला फूल विहार की झांकी सजाई जाएगी। कल घरों में आएंगे रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति बप्पा। आनासागर रोड पर बिकनी शुरू हुई गणपति की मूर्तियां, ढोल बाजों के साथ आएंगे कल लोगों के घरों में। शहर में गणेश चतुर्थी की सभी तैयारियां हो चुकी है, दुकानदारों द्वारा डांडिया वस्त्र बेचने के लिए अपनी दुकानों के बाहर लगा दी गए। वहीं दूसरी ओर मिठाइयों की दुकान पर भी मोदक और लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं। आनासागर लिंक रोड पर भी बड़ी से लेकर छोटी मूर्तियां बिक रही है, तो कल सभी लोग गणपति बप्पा को अपने घर लाने के लिए तैयार हैं। ढोल बाजों के साथ कल बप्पा की स्थापना की जाएगी। लगे
कांग्रेस की संकल्प यात्रा में कांग्रेसी भाजपा को सत्ता से हटाने का लेंगे संकल्प। पर्वतसर की संकल्प यात्रा में सम्मिलित होने के लिए अजमेर से रवाना हुए 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट करेंगे सभा को संबोधित। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट की संकल्प यात्रा की शुरुआत नागौर के पर्वतसर से हो चुकी है। इसी को लेकर अजमेर से भी 50-60 बसें जिसमें 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी रवाना हुए। सचिन पायलट जो कि राजस्थान से मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए पार्टी की रीति नीति समझाएंगे। वे भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए संकल्प दिलवाएंगे। आज हमारी जो संकल्प रैली है पर्वत सर में, उसमें आप देख रहे हैं सारे कांग्रेसियों में बहुत ज़्यादा जुनून है। और ये कांग्रेसियों का ही जुनून नहीं, हमारे पूरे राजस्थान के लोगों का जुनून है, अजमेर के लोगों का जुनून है। और आप देखिएगा ये जोश और जुनून आने वाले विधानसभा के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है उससे सभी वर्ग सभी लोग दुखी हो चुके हैं और चाहते हैं कि जैसे ही एक बार चुनाव आएंगे विधानसभा के और ये इनको मजा चखाएंगे। क्योंकि बीजेपी वादों ने जिस तरह से बीजेपी ने जो झूठे वादे करके सत्ता में आए थे और उसके हिसाब से वो एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं, तो क्या युवा वर्ग, क्या महिला वर्ग, क्या मजदूर वर्ग, क्या कर्मचारी वर्ग, हर वर्ग उनसे नाराज़ है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सारे वर्ग मिल करके कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे और बीजेपी का तख्ता ज़रूर पलटेंगे। आम लोगों के सैकड़ों कार्यकर्ता आपके सामने हैं, कैमरे के सामने हैं, और भी आ रहे हैं और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता एक साथ ही जाएंगे। आज नागौर के पर्वत सर के अंदर संकल्प रैली जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब और हमारे शीर्ष नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे जी, श्री अशोक गहलोत साहब,
विवेक बंसल जी, काजी साहब, रामेश्वर डूडी जी, सभी बड़े नेता उस रैली के अंदर आ रहे हैं। तो अजमेर से जो हमने यहाँ टारगेट दिया था, उस टारगेट के तहत हमारे यहाँ से करीब 60 बसें यहाँ से जो है रवाना हो रही हैं, और अपने छोटी गाड़ियों में, फोर व्हीलर्स में उन्होंने जा रहे हैं। करीब 4000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे पर्वत सर के लिए अजमेर शहर से यहाँ से रवाना हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो है वहाँ एक अजमेर ज़िले से बहुत वहाँ से लोग इस रैली में भाग लेंगे। काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर, और जो है आगामी समय के लिए एक जो है उनको सरकार को चेतावनी है कि जिस तरह आप गौरव यात्रा निकाल रहे हो और लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तो ये संकल्प यात्रा कार्यकर्ता संकल्प यात्रा के आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर होगी और कांग्रेस का परचम राजस्थान के अंदर फहराएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब के आह्वान के ऊपर राजस्थान के तमाम हमारे बड़े नेताओं ने सामूहिक प्रयास करके एक संकल्प रैली का आज पर्वतसर के अंदर जो आयोजन किया गया था, इसमें राजस्थान सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे पूर्व नेता सम्मानीय सीपी जोशी साहब, मोहन प्रकाश जी, रामेश्वर जी डूडी साहब और सम्मानीय पायलट साहब, तमाम सब इन लोगों ने संकल्प यात्रा के माध्यम से आगामी विधानसभा का चुनाव का पर्वतसर से सत्यनाथ किया है, और सत्यनाथ करने के पर आज अजमेर से भारी संख्या के अंदर अजमेर के हमारे तमाम जो साथी लोग हैं वो आज पर्वतसर की रैली में शामिल हुए। मुझे इस बात का गर्व और फख्र है कि अजमेर को जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सम्मानीय विवेक बंसल जी ने जो टारगेट दिया था, उस टारगेट को हमने पूरा करते हुए 42 गाड़ियों के अंदर अजमेर के विभिन्न मॉडलों के साथ, विभिन्न बाड़ों के साथ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या के अंदर आज पर्वतसर के अंदर पहुंचेंगे, और जो भी दिशा निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का होगा, उसको अक्षर से पालन करते हुए आम जनता की आंख के आंसू पहुंचने का प्रयास करेंगे। भाजपा की भ्रष्ट, निकम्मी और ऐसी जो सरकार है उसको हटाने का आज हम संकल्प लेने के लिए पर्वत से जा रहे हैं, और वहां से संवाद करेंगे और राजस्थान को और अजमेर को विभूति और सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे। पिछले 15 साल से दो निकम्मे विधायक हमारे अजमेर में आज जो बैठे हुए हैं, जिनके टाइम में पूरा पानी हमारे अजमेर का आज जयपुर जा रहा है, लाइन ऑर्डर बिल्कुल क्रप्स हो गया है, बिजली यहाँ पूरी मिल नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर हम तमाम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि सहभागी बनकर अजमेर के विकास में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी के हाथ मजबूत करें, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें, अशोक गहलोत जी के हाथ मजबूत करें, और तमाम इसी मकसद के साथ में तमाम सभी लोग आज इस रैली के अंदर शामिल हुए। कांग्रेस की संकल्प यात्रा में बड़ा जन सैलाब, किशनगढ़ से पर्वतसर तक लगा जाम, अजमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सम्मिलित हुए कांग्रेसी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पर्वतसर में संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिन पायलट पहुंच चुके हैं, साथ ही कई प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। यहां अजमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ है कि किशनगढ़ से पर्वतसर तक भारी जाम लग चुका है। 12/9/2018 को माननीय श्री सचिन जी पायलट के निर्देशानुसार हमारे यहाँ से राजस्थान से संकल्प रैली के रूप में आज पर्वतसर में प्रोग्राम है रैली का, उसके अंदर हम जा रहे हैं। किशनगढ़ से पर्वतसर में पूरा जाम लगा पड़ा है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी से पब्लिक कितनी दुखी है। इस घड़ी के अंदर लोग इतने दुखी है कि घर बार सब छोड़ के और संकल्प रैली में ये संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस के साथ हम, पब्लिक बहुत परेशान है। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? मेरा नाम अजीज खान चीता, मेरे साथ में सलीम हाजी साहब, सिकंदर शोर से आवाज और भाई फिरदौस भाई। जवारंग मंच पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला, स्वच्छता के प्रति सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ, बड़ी संख्या में अधिकारीगण उपस्थित। जवारंग मंच पर आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें MLA, सरपंचगण, प्रधानगण व कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए और सभी को जिला प्रमुख वंदन नोगिया ने स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई। जिला प्रमुख वंदन नोगिया ने इस दौरान स्वच्छता के प्रति सरकार द्वारा कराए गए कार्य की जानकारी भी दी। आज जवा रंगमंच में स्वच्छ भारत मिशन की आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस जिला स्तरीय कार्यशाला में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी MLAs, मंत्री, हमारे सभी जिला परिषद सदस्यगण, हमारे सभी सरपंचगण इस कार्यशाला में भाग लेंगे और समस्त हमारे
जिले लेवल के जो अधिकारी है इस कार्यशाला में शामिल होंगे। मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि ये जिला स्तरीय जो हमारी स्वच्छ भारत मिशन की कार्यशाला है, इसमें बहुत से विचार हमारे सामने आएंगे और हर साल की भांति इस साल भी ये कार्यशाला का आयोजन किया गया कि किस प्रकार हम लोग हमारे जनप्रतिनिधि को इस विषय पर हम लोग चिंता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हम लोगों ये कह सकते हैं कि अजमेर जिला हमारा पूर्ण ODF हो चुका है और इस ODF के तहत हमने जो अजमेर ज़िले की एक सौगात हम लोगों ने ली है कि किस प्रकार से हर घर में, हर पंचायत में, हर पंचायत समिति में जिले स्तर लेवल पर आज काफ़ी शौचालय बन चुके हैं और उन शौचालयों का जो पेमेंट है वो भी हमारा काफ़ी हद तक हम लोगों ने पूर्ण कर चुका है। कई हमारे कुछ एक जगह हमारा जैसे ब्यावर है वहाँ पर थोड़ा सा हमारा पेमेंट की प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द इसका निस्तारण करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द वो पैसा वहाँ पहुँच सके। तो आज जवारंगमंज में एक जिला स्तरीय कार्यशाला हमारी आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे सभी MLAs हैं, सरपंच हैं, हमारे जिला परिषद सदस्यगण हैं, प्रधानगण हैं, ये सभी जनप्रतिनिधि हमारे उसमें कार्यशाला में उपस्थित होंगे। और साथ ही मैं आप सभी से आप अजमेर वासियों का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि, अजमेर वासियों और प्रशासन की वजह से आज जो हमारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जो ये योजना है, इस योजना के तहत हमारे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अजमेर ज़िले को एक सम्मान दिया है और कल ही ये सम्मान हम लोगों को मिला है पूरे अजमेर को। और मैं सभी अजमेर वासियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने लाभार्थियों की जो संख्या बढ़ाई, लाभार्थियों को जो योजना दिलाई, जिस प्रकार से नरेगा में उन्होंने ऐसे जो हमारे लाभार्थी उनको लाभ दिलाया, बहुत सारे हमारे सैंक्शन हम लोगों ने निकाल कर उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाकर उन गांवों में, ढाणियों में हमने वो योजना दी। इसके अंतर्गत ये एक क्रियान्वयन हमारे अजमेर ज़िले का हुआ है। इसके अंतर्गत हम सभी को आज अजमेर वासियों को ये सौगात हम लोगों को मिली है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। रीड कार्यालय में आयोजित संभाग स्तर सड़क सुरक्षा कार्यालय सभी विभागों के अधिकारी हुए शामिल, सड़क घटना को कम करने के लिए सभी विभागों के अधिकारी से की वार्ता। रीड कार्यालय में संभाग स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यालय आयोजित की गई। इस कार्यालय में चिकित्सा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, परिवहन अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी को बुलाया गया। वे उन्हें राज्य और सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा को लेकर क्या आदेश है, वे सभी अपने अपने विभागों में क्या कार्य करना है वे बताए गए ताकि सड़क घटनाओं से होने वाली डेथ कम हो सके। ये राज्य में जो सड़क सुरक्षा के काम हो रहे हैं इसके लिए फील्ड लेवल तक ये बात पहुँचे कि हमें क्या क्या काम करने हैं, सुप्रीम कोर्ट कमेटी के क्या निर्देश हैं, राज्य सरकार के स्तर पे क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, इसके लिए जोनल वर्कशॉप्स करना डिसाइड हुआ ताकि हम एक एक जोन में जाएं। यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी सेल्स जो हैं, इन डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी सेल्स के ऑफिसर सभी ज़िलों से बुलाए गए हैं और उन लोगों को, और ये सभी स्टेक होल्डर्स के हैं, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट भी है, रोड ओनिंग एजेंसीज़ भी हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, मेडिकल हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, तो हर कोई ओरिएंट हो, उन्मुखीकरण करें हम उनका कि किस तरीके से उनको आगे काम करना है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या काम करना है। जी ये खामियों को दूर करने के लिए और पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम डेथ रेट्स का जो हमारा अचीवमेंट का मतलब कम करने का जो अचीव करना है, जो उस चीज़ के लिए हम आगे सब लोग मिल के किस तरीके से काम कर पाएँ, इसके लिए है। इसमें पुलिस के ऑफिसर्स हैं, रोड ओनिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि PWD है, NHAI के ऑफिसर्स भी हैं और रेडकोर है, RSRDC है, लोकल बॉडीज़ हैं, UDH, LSG वगैरह सभी डिपार्टमेंट्स के, इसके अलावा एजुकेशन से हैं और मेडिकल एंड हेल्थ से हैं, ताकि रोड सेफ्टी के जितने भी पिलर्स हैं वो सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस काम को आगे कर पाएँ और रोड सेफ्टी सेल और जो जिला लेवल की जो कलेक्टर वाली कमेटी है उनके थ्रू सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करा पाएँ। जी हाँ जी, आज रोड सेफ्टी की वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक रोड सेफ्टी सेल का गठन किया गया है जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर हैं वो उसके प्रभारी हैं, इसके अलावा रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं वो इसमें रोड सेफ्टी कंसल्टेंट हैं, मिस्टर सिंघवी साहब हैं
मेडिकल एंड हेल्थ की तरफ से डॉक्टर एल एन पांडे हैं, एक तेजपाल सिंह जी हैं, DYSP पुलिस है और अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं उसके अंदर रोड सेफ्टी कमेटी के अंदर मेंबर्स हैं। ये सब अभी राज्य के समस्त जो संभाग मुख्यालय हैं वहाँ एक एक दिन का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि ग्राउंड लेवल तक जो उनके डायरेक्शंस हैं वो प्रॉपरली फॉलोअप हो। तो इसके लिए जो है ऑल डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है जिसमें पुलिस, ट्रांसपोर्ट, LSG, रोड ओनिंग एजेंसीज जिनके अंदर जैसे PWD है, RSRDC है, NHAI है और मेडिकल एंड हेल्थ हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी विभाग जिनका कि रोड सेफ्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी रोल हो सकता है, उन समस्त विभाग के जो अजमेर संभाग के 4 जिलों के जो अधिकारी हैं उन सबको इसमें आज आमंत्रित किया गया है। और इसके अंदर जो रोड सेफ्टी के अलग अलग पहलू हैं उसमें समस्त विभागों की तरफ से जो है क्या गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टैंडिंग कमेटी के जो डायरेक्शंस हैं उनकी क्या टाइम बाउंड अनुपालना करनी है, इसके संबंध में जानकारियां दी गई है। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com। सच के साथ।